तो दोस्तों आज के वीडियो स्पेशली स्टूडेंट लोगों के लिए होने वाली है। भाई आप लोगों ने एम पॉकेट एप्लीकेशन का नाम तो सुना ही सुना होगा, हूबहू इसी तरह की आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं। भाई इस एप्लीकेशन में वैसे एक सैलरीड पर्सन को भी लोन दिया जाता है और एक स्टूडेंट को भी लोन दिया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में भाई इस न्यू लोन एप्लीकेशन से मैं स्टूडेंट के लिए काफ़ी ईजी प्रोसेस के साथ में लोन अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ। भाई अगर आप एक स्टूडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन अपने आधार कार्ड से ही भाई लोन अप्लाई कर पाएंगे। अभी रिसेंटली देखेंगे तो हमारे एक स्टूडेंट का हमने यहां पर अभी लोन अप्लाई किया इस एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन में जो टोटल क्रेडिट लिमिट मिली है भाई 3500 रुपए की टोटल क्रेडिट लिमिट मिली है। इसके अंदर मैंने लगभग 3000 रुपए की क्रेडिट लिमिट को यूज ले लिया है, यानी कि 3000 रुपए मैंने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है और मेरी जो अवेलेबल लिमिट बची है वो यहां पर 500 रुपए की अवेलेबल लिमिट यहां पर बच चुकी है। यहां पर डेट देखेंगे तो आपको यहां पर डेट भी शो हो रही होगी और यहां पर जो ड्यू अमाउंट है वो 275 रुपए का यहां पर ड्यू अमाउंट यहां पर बताया गया है, यानी कि मंथ के अंदर भी आप इसकी ईएमआई आप लोग यहां पर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग और काफी न्यू लोन एप्लीकेशन है, बने रहे इस वीडियो में। कौन सी ये लोन एप्लीकेशन है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, भाई अगर आपको लोन मिल जाता है तो एप्लीकेशन आपसे कितना एक्स्ट्रा चार्ज यानी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी होंगे, वैसे अगर आप स्टूडेंट के तौर पर अगर इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड ही यहां पर प्रोवाइड करवाना होगा। इसी के साथ भाई एप्लीकेशन को लोन वापस लौटाने जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम है ये एप्लीकेशन आपको कितना देगी भाई A to Z प्रोसेस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई साहब आप यहां पर देखेंगे तो हम मोबाइल के प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में एप्लीकेशन का नाम छिपाया हुआ है, एप्लीकेशन का नाम ब्लर किया हुआ है, क्योंकि भाई एप्लीकेशन का नाम वीडियो के बीच में, फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। अगर भाई एक भी पार्ट आप मिस करेंगे तो भाई आपका लोन डिसअप्रूव हो जाएगा, फिर कमेंट सेक्शन में इधर उधर की बातें आप लोग बोलते रहेंगे। तो पहले जो चीजें मैं फिल करता हूं सेम टू सेम वही चीजें फिल करके आपको लोन के लिए अप्लाई करना है ताकि आपका लोन सक्सेसफुली यहां पर अप्रूव हो जाए। तो प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन की अगर आप रेटिंग देखेंगे तो भाई 4.1 की एप्लीकेशन को रेटिंग मिली हुई है। 4+ अगर किसी भी एप्लीकेशन को रेटिंग मिली हुई होती है तो भाई एप्लीकेशन आपको एक नंबर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हम यहां पर डाउनलोडिंग बात करें तो एप्लीकेशन को अभी फिलहाल 1 लाख लोगों ने यहां पर डाउनलोड किया हुआ है। एप्लीकेशन आपको नई है और जाहिर सी बात है एप्लीकेशन नई होगी तो लोन देने के मामले में एप्लीकेशन आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ ही भाई आप यहां पर अबाउट सेक्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन के बारे में और भी ज्यादा यहां पर जान सकते हैं। सबसे बड़ी बात भाई एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड NBFCs के सभी रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना टेंशन एप्लीकेशन में आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लाइव आप ही के सामने मैं एप्लीकेशन को यहां पर इंस्टॉल करूंगा, ओपन करूंगा एंड लाइव लोन अप्लाई करने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। तो भाई साहब इधर देखेंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुकी है और एप्लीकेशन का सबसे पहला यूजर इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर देखेंगे इंस्टेंट लोन सैलरी एंड कॉलेज स्टूडेंट, सैलरीड पर्सन और कॉलेज स्टूडेंट दोनों ही लोगों को एप्लीकेशन इजी वे में ही लोन प्रोवाइड करवाएगी। यहां पर पेज में रेगुलर आपको स्वाइप अप करना है, स्टम्प्स पर क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, अलाउ करते हुए भाई एप्लीकेशन में आप लोगों को आगे बढ़ जाना है। अब आप यहां पर देखेंगे तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर यहां पर फिल करना होगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर हम यहां पर फिल करेंगे, साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। ध्यान दें दोस्तों आपके पैन और आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर अगर आप यहां पर फिल करेंगे तो भाई लोन अप्रूवल के चांसेस काफी ज्यादा यहां पर इंक्रीज हो जाएंगे। साइन इन के बटन पर क्लिक करते ही आप यहां पर देखेंगे भाई आपसे एक आंसर यहां पर लिया जाएगा, तो आपको ऊपर में ही स्क्रीन में एक नंबर आपके यहां पर शो हो रहे होंगे 3+7, आपको ये अलग अलग नंबर शो हो सकते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपको यहां पर नीचे टैब कर देना है एंड वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते ही आप यहां पर देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी, भाई OTP को आप यहां पर फिल करेंगे एंड वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर OTP के थ्रू भाई सक्सेसफुल यहां पर वेरीफाई हो जाता है। दोस्तों सारा प्रोसेस यहां पर मैं लाइव कर रहा हूं तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही बनता है और भाई वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक प्यारी से कमेंट भी आप लोग यहां पर कर सकते हैं या फिर आपकी क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो भाई हमने OTP यहां पर फिल कर दिए, सिंपली हम यहां पर वेरीफाई के बटन पर ही क्लिक करेंगे। वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते हैं हमारे जो मोबाइल नंबर वो सक्सेसफुल यहां पर वेरीफाई हो जाएंगे एंड एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यूजर इंटरफेस के अंदर भाई आप लोग यहां पर देखेंगे आपको अपनी एक प्रोफाइल यहां पर क्रिएट करनी होगी, तो भाई आपका जो नेम है वो नेम आप यहां पर फिल करेंगे, आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप यहां पर डालेंगे एंड भाई इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आपको अपना एक पासवर्ड यहां पर बनाना होगा एंड कंफर्म पासवर्ड आपको यहां पर बनाना होगा। तो चलिए दोस्तों मेरा जो नेम है वो नेम मैं यहां पर फिल करूंगा, फिल करने के बाद में मेरी जो ईमेल आईडी है वो मैं यहां पर फिल करूंगा एंड अच्छे से पासवर्ड यहां पर बनाकर सिंपली साइन इन के बटन पर क्लिक करूंगा। अब नेक्स्ट पेज पर आप लोग यहां पर देखेंगे तो भाई आपको व्हाट्सएप नंबर भी यहां पर देना होगा, तो आपसे यहां पर पूछ रहा है कि भाई आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है अगर वही मोबाइल नंबर आपके व्हाट्सएप नंबर है तो यस आई हैव ए पर क्लिक करना है, या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर कोई दूसरे हैं तो डोंट आई हैव ए पर क्लिक करके आपकी जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको यहां पर फिल कर देना है। तो मेरे सेम नंबर व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली मैं यहां पर साइन इन के बटन पर ही क्लिक करूंगा। साइन इन के बटन पर क्लिक करते
भाई अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है लोन लेने के लिए कि भाई आप एक स्टूडेंट है तो सिंपली आपको यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करना है, या फिर भाई आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉय पर ही क्लिक करना है। भाई मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा अगर आपको थोड़ा सा बिग अमाउंट की आवश्यकता है और आप अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको सैलरीड पर्सन पर ही क्लिक करना है। अदरवाइज भाई अगर आप स्टूडेंट है तो सिंपली आपको स्टूडेंट के नीचे क्रिएट फाइल पर आपको क्लिक करना है एंड कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना है। कन्फर्म के बटन पर क्लिक करते ही भाई आपसे एक रेफरल कोड यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो आपको स्क्रीन पर या तो एक रेफरल कोड शो हो रहा होगा, अगर स्क्रीन पर रेफरल कोड शो नहीं हो रहा है तो डोंट आई हैव ए रेफरल कोड पर ही आपको क्लिक करना है। तो सिंपली हम इसके बाद में प्रोसीड के बटन पर ही क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद में आप ऊपर में देखेंगे मात्र 5 मिनट के अंदर ही आप ये लोन ले पाएंगे। इसी के साथ ही भाई अगर आप स्टूडेंट है तो आपको लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देने होंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। में से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि भाई आपके पास में नहीं होंगे लेकिन उनका भी जुगाड़ भाई हो जाता है अगर आप लोन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेसिकली यहाँ पर आपका आधार कार्ड और आपकी जो कॉलेज आईडी है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल के बटन पर ही क्लिक करेंगे एंड भाई एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपकी जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आधार कार्ड का जो फ्रंट साइज है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड बैक साइड है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो टेक यहाँ पर पिकअप पर क्लिक करेंगे एंड आपके आधार कार्ड को यहाँ पर बिल्कुल आपको सामने रखना है एंड अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइज बिल्कुल साफ सुथरी फोटो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। आधार कार्ड की फोटो देने के बाद नेक्स्ट पेज के अंदर आप यहाँ पर देंगे कि भाई अब आपके आधार कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर देखेंगे एंड आगे का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो भाई आधार कार्ड के नंबर हमने यहाँ पर दे दिए हैं, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर फिल करेंगे। इसके बाद नीचे कन्फर्म आधार नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। दो बार आप अपने आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर वेरीफाई के बटन पर ही क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट यूजर इंटरफेस आपको नजर आएगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके आधार जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ चुकी है। भाई ओटीपी को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ओटीपी फिल करते भाई आपके आधार कार्ड पर जो कंप्लीट डेटा है वो यहाँ पर फैच यहाँ पर हो जाता है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस वगैरह सारा यहाँ पर फैच हो जाता है, यानी कि आपके आधार कार्ड के थ्रू आपकी जो डिजिटली ई केवाईसी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ओटीपी फिल करके हमारे आधार कार्ड के थ्रू हमारी जो केवाईसी उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। अब भाई साहब आप लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे आप अपने आधार कार्ड के थ्रू आपकी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, तो केवाईसी करते भाई आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाती है। जैसे आपका पर्सनल नेम हो गया, आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, जेंडर वगैरह हो गया, वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक ही फिल हो जाती है। लेकिन भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर अपने खुद से हिसाब से यहाँ पर अपनी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी होगी। तो आपका जो नेम है वो नेम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप अपना नेम यहाँ पर फिल करेंगे, आपकी एज यहाँ पर डालेंगे, आपके आधार कार्ड के नंबर फिर से एक बार आपसे यहाँ पर फिल करवाया जा सकता है। इसके बाद में आपका जो जेंडर है मेल है या फीमेल है वो आप अपना जेंडर यहाँ पर फिल करेंगे। आप अपना मेरिटल स्टेटस यहाँ पर डालेंगे भाई आपकी शादी हुई है फिर नहीं हुई है। मेरिटल स्टेटस डालने के बाद आपका जो एजुकेशन का क्वालिफिकेशन भाई आपने मैक्सिमम कितने तक एजुकेशन ली हुई है, कितने तक शिक्षा यहाँ पर पाई हुई है, तो आपका एजुकेशन का क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो पर्सनल ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड आपका जो भी करंट एड्रेस है भाई आपके आधार कार्ड पर जो आपका करंट एड्रेस है वो करंट एड्रेस आप यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। भाई आपने जब पर्सनल डिटेल इस पेज पर आप फिल कर देते हैं, पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद में भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आ जाती है, यानी कि भाई आप कॉलेज स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट के तौर पर भाई इस एप्लीकेशन अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप स्टूडेंट है तो आपको प्रूफ भी कुछ यहाँ पर देना होगा। डॉक्यूमेंट के प्रूफ है, कॉलेज स्टूडेंट के प्रूफ है, वो प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे कि एक तो आपसे कॉलेज आईडी आपके यहाँ पर अपलोड करवाई जा सकती है, या फिर आपकी जो लास्ट ईयर की मार्कशीट वगैरह है वो आपको यहाँ पर अपलोड यहाँ पर करवाई जाएगी। तो दो दो तीन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करवाया जाएगा। इसके बाद भी सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जब आप अपने कॉलेज स्टूडेंट का प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर देंगे इसके बाद में आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं हमसे बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जा चुकी है। तो आपका जो आईएफएससी कोड है वो आईएफएससी कोड फिल करेंगे, बैंक नेम फिल करेंगे एंड अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। तो आप अकाउंट डिटेल देकर सिंपली आपको यहाँ पर कंप्लीट के बटन पर नीचे क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट। आप जैसे यहाँ पर कंप्लीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल भाई यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी, सारी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी। तो 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी जो डिटेल यहाँ पर वेरीफाई की जाती है। तो भाई ये सारी चीजें मैं यहाँ पर फिल करूंगा, सारी चीज फिल करके मेरी डिटेल को यहाँ पर वेरीफाई करवाता हूँ। इतनी देर में भाई मैं एप्लीकेशन का नाम आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। भाई साहब आप इधर साइड में देखेंगे तो यार फिर से हम प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और सिंपली प्ले स्टोर पर आने के बाद में आपको टाइप करना है गेट इट नाउ इंस्टेंट लोन ऐप, या फिर इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। भाई इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और इसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का मैं आपको फिलहाल प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इसी एप्लीकेशन से बेशक आप लोन के लिए अप्लाई करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन आपको 101% भाई लोन प्रोवाइड करवा देगी। इसके साथ ही भाई अगर आप सैलरीड पर्सन है तब भी इस एप्लीकेशन से भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी। हमारे मेन टॉपिक पर हम आते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन में कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है। तो भाई साहब यहाँ पर आप देखेंगे सारी डिटेल रिव्यू होने के बाद में फाइनली एप्लीकेशन हमारे लिए जो लोन ऑफर लेकर आई थी वो 3500 रुपए का लोन ऑफर
लेकर आई थी। इस 3500 रुपये में से भाई मैंने 3000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे और हमारी जो अवेलेबल लिमिट है वो यहाँ पर 500 रुपये की यहाँ पर अवेलेबल लिमिट यहाँ पर बची है। जितने भी भाई आपको क्रेडिट लिमिट यहाँ पर मिलती है इस लिमिट को आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो इस लिमिट को भाई इंक्रीज यहाँ पर कर दिया जाता है 3500 से 5000, 10000, 15000, 20000, 25000 रुपये तक यहाँ पर इंक्रीज यहाँ पर कर दिया जाता है। इसके साथ में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे हाउ टू अपग्रेड माई लिमिट, यहाँ पर क्लिक करके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको और अपलोड करना होगा और अपनी लिमिट को भाई यहाँ पर इंक्रीज आप लोग और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लोन एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन एक बार आप लोन के लिए ज़रूर अप्लाई करके देख सकते हैं। और भाई एप्लीकेशन का नाम मैंने आपको बता दिया है, वीडियो के बीच में जाकर आप एप्लीकेशन का नाम एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो के अलावा फिर भी आपको और भी कोई कन्फ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई और यूनिक वीडियो के साथ में, जय हिंद, वंदे मातरम।